जाएगी। रसियत देखना है हमें टाइलर भागा भी। Ending गोवा नाइट फेडिंग है। आए वाई मेन वाले गोवा में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सनी, थोड़ा सा फनी। गुड मॉर्निंग सब सभी लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। जय श्री राम। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? नहीं, जो सोच रहे हो वो नहीं है, ये वीरल है। चल खाली यही उठने का बाकी था इसलिए मैंने ऐसे चाल किया। चल उठो भाई, 9:30 हो गए भाई। ओके ब्रो, 9:30 उठ। ओके ब्रो, उठ 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 उठ, खराब हो जाएगा मैं। गुड मॉर्निंग, अरे गुड मॉर्निंग हमारी भैंसिया। अबे गुड मॉर्निंग, अरे गुड मॉर्निंग आयुष, गुड मॉर्निंग। उर्विल ने पानी डाला आयुष, उर्विल ये तो हराम ज्यादा ही है बहन। चल तू ऐसा जो किया ना अभी, वो विरल को करना, उसके ऊपर करने की हिम्मत नहीं। ये गान फट कर क्यों मेरे ऊपर करने की गान में था मैं उनके। वही तूने ऐसा रुतबा नहीं बनाया आयुष। उठ आयुष, उठ उठ। कितने बजे यहाँ पे तू वैकेशन बनाना है? हाँ रसियत देखना है। नोटी उड़ा के बहन के। सब उड़ गए, विरल अभी तक नहीं उठा। सो गाइज, हमारा जो रात को विला था वो अभी हमने चेंज कर लिया है। हमने को दूसरी जगह पे हमने विला लिया है जो कि पूल साइड है। दिखाता हूँ मैं आपको, ये है हमारा सेकंड विला और यहाँ की मेन चीज है ये। हाँ ठीक है, यहाँ पे किसी को भी कूदने की सख्त बनाई है क्योंकि यहाँ पे हम शूट खत्म करने के बाद कूदेंगे, उसके सिवा कोई नहीं कूदेगा। ये हमारा डाइनिंग रूम है, यहाँ पे हमारा किचन एरिया है जिसके अंदर पूरा का पूरा एक किचन घड़ा है। ये टीवी है, यहाँ पे ये सब लिविंग एरिया है और यहाँ तो भी अच्छे जो ये बेड है, ये देखो ये रूम है। नहीं मैं नहीं कुदरा अभी, मेरा बाल खराब हो जाएंगे। और ये वॉशरूम है जिसमें कोई गया हुआ है। ये वार्डरोब है, यहाँ पे दूसरा रूम है जिसके अंदर ऑलरेडी एक मैट्रेस दिया हुआ है और ये सारी चीजें हैं। ये है कपड़े, ये किसके आप गैस कर सकते हो, ये आयुष का ही होगा, हुई पहनता है। ये हमारा रूम है और यहाँ पे ये केयर टेकर है यहाँ के। मेरा चप्पल कौन सा है? बहुत है कंफ्यूजन है। चलो भाई गोवा का सफर चालू। भाई अभी इतना भयंकर चीज हो गई ना, हमारा गिम्बल का बैग गुम हो गया। और कुछ भी गुम होता चलता लेकिन गिम्बल का बैग गुम हो गया। तो हमको पूरा 3 और 2 दिन शूट करना है। फिर इतना भयंकर इन्वेस्टिगेशन किया हमने, CID से भी ज्यादा भयंकर इन्वेस्टिगेशन किया, कौन किसके पास लास्ट देखा था, पॉइंट टू पॉइंट पकड़ा। और फिर जाके हम लास्ट कल रात को जो टैक्सी में आए थे वो टैक्सी वाले भैया के पास से वो निकला और वो है अभी पंजिम यहाँ से 1 घंटे दूर, तो शाम को वहाँ से ले लेंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर हम किसी का खराब नहीं करेंगे तो हमारा खराब नहीं होगा। फिर कभी तुम याद करके सारी हमें चाहिला बागा बीच। हम जा रहे हैं बागा बीच, तो अभी हम बागा बीच पे शूट करने जा रहे हैं। एक्चुअली में अभी यहाँ पे दो सीन खत्म हो गए, अभी हम जाएंगे बागा बीच। ये बागा बीच इतना कुछ है, ये नए नए गोवा वाले हैं ना इसलिए इन लोग को बागा बीच। कुछ है नहीं गोवा, मतलब नॉर्मल डुमस जैसा ही है भाई, हमारे सूरत में डुमस है वैसा बागा बीच, बस इधर दारू वारू मिलता है। और नहीं है ब्रो, अभी तूने देखा नहीं है, अभी कल का दिन भी नहीं देखा, परसों से तू बोलेगा जब तू गोवा छोड़ रहा होगा ना तब मैं तेरे को पूछूंगा भाई गोवा छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। हां मैं पूछूं छोड़ना है कि नहीं, कैसा लगा गोवा का दिन? गोवा का मेन लोकल है, प्रॉपर गोवा का लग रहा है लालू। उसकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी ही आती है गोवा वाले की जैसे। डिवाइन भी आया यहाँ पे सीधा उतना सूरत से, उतना फाटक। हेलो हाय, इंडिया फंक्शन आ रहा है, सब लोग आ जाओ। इंडिया का आ रहा है, इंडिया टूर आ रहा है। तो तू तो इंडिया में ही है ना? हाँ जी मैं तो इंडिया में ही, अभी हम जा रहे हैं हैदराबाद है पहला टूर, तो 7 दिन 3-4 दिन अभी इधर शूट खत्म करेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे।
पहले ना आप गले के गरम पानी के कोगड़े करो ना। गरम इंडिया टूर करने से पहले आप गरम पानी के गरारे करो। ले तुम्हारे कॉन्सर्ट में कोई आया है क्या है बेटा? गोवा घूमना है? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। क्या हुआ? गर्लफ्रेंड नहीं है? वो बेस्ट फ्रेंड के साथ चली गई पंजिम। लड़की का लड़का है वो तो देखो। जो मेरे को तो कंटेंट निकल रहा है। ठीक है आओ लाओ, तुम दोनों का भरत मिलाप कराता हूँ। ए चल ले चल, दोनों दोनों का भरत मिलाप। जा जा जा, ये डर रही है भाई, जाओ तो भैया लपड़ा हो गया भाई इधर। एल्विस भाई और मैक्सटन चलना चलना भाई। तुम्हारा पार्किंग का पैसा दो, पार्किंग का पैसा दो पहले। मेन पार्किंग वाले दोनों सेम लग रहे। तेरे को जो चीज दी है ना संभाल, ये ऐसा बात कर जाले। मेरी है। ये चीज दी है ना, बहुत जिम्मेदारी वाली चीज है। ये पूरी गोवा का बजट है तेरे हाथ में। ठीक है भाई, ठीक है भाई। कुछ भी हुआ उदित का है, उदित का है वो लेंस, वो बहुत जादुई लेंस है, जल्दी हम ले लेंगे भाई। एक बैग ले अच्छा और उसमें रखो उसको। कितने का बैग? 2-3 हजार वाला। 4 लाख का ले बैग। ओ भाई, जो यहाँ पे आए भाई मेन वाले गोवा में क्या भाई, जो बोलते जो लोग बोलते जून में गोवा नहीं जाना चाहिए, ये वो, यहाँ पे वेदर देखो, वेदर चेक करो। सबको ये लोग को इतना वो पछतावा हो रहा है ना कि यार यहाँ पे आके फुल के एंजॉय नहीं कर पा रहे कुछ ऐसा अंदर से, ये जो लोग गोवा नहीं आए हम निकालेंगे भाई 3 दिन के बाद, क्योंकि सबको नया बोला है कि बिल्कुल एक्स्ट्रा कुछ फन नहीं करना है, कुछ भी नहीं कर भी नहीं रहे इधर है ना, धूप जल्दी हो जाती है। जो 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 गोवा पहली बार आए उनको वैसा अंदर से ऐसा वो भागने को दौड़ने को मन करता है। एक फोटो भी कोई नहीं खींच रहा, लेकिन शूट है काम के बाद। वो देखो ना हमारा, ये देखो ना बीच पे, बीच के ऊपर बैंक वाला है, वो क्या बोलते हैं एटीएम कार्ड बनवाने हैं। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। नहीं नहीं, ये ना कौन है बताए? ये कौन से सर? नमस्कार, मैं आज आपको समझा रहा हूँ, तीन कुछ नहीं करना है, 3 बंदे जोड़ने हैं। 1500 रुपए। देखो आपके घर में आपके मम्मी पापा आपकी आपको, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो हर मंथ कितनी, हर रोज कितनी? नहीं मेन मुद्दा ही नहीं आ रहा, कितनी पॉकेट मनी देते हैं? 300। 20 रुपए, 20 रुपए हर रोज का, तो 30 दिन का कितना हुआ? 600 रुपए। ऐसा करके आपको सिर्फ 1200 रुपए, सिर्फ 1200 रुपए। लेकिन इसने कैलकुलेशन इतना राइट फटाफट कैसे दे दिया, इतना बड़ा लिखा। सिर्फ 1200 रुपए आपके पास होंगे और आप अपना बिजनेस, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और फिर धीरे धीरे 3 लोग को जोड़े। वो बस ऐसा, लेवल सबके निकलेंगे। अगर आपके सपने स्ट्रॉन्ग है ना, तो उन्हें कहते हो आपको कोई नहीं रोक सकता। बाय, आज आपको मैं दिखाता हूँ कि भालू हेलमेट पहनता है तो कैसा लगता है। ये देखो ये देखो, भालू ने हमारा हेलमेट पहना है, कैसा लग रहा है भाई। पूरे उसके मुंह पे आ भी नहीं रहा, हवा में रह रहा है वो हेलमेट, नहीं आ रहा भाई। देख इसका कहाँ तक आया, कान के नीचे। तो मेरा कान पर, हाँ बराबर आ गया। गोवा में हमारी गाड़ी हमें भरा जा रहा है पेट्रोल, क्योंकि हमको वहाँ पे पहुँचने के लिए बहुत टाइम लगेगा, इसके लिए हम बहुत पैसे वाले हैं, तो कर दे जाते रहते हैं। 40-50 रुपए में क्या है, कुछ नहीं है भाई। 40-50 रुपए, 90 रुपए का पेट्रोल पंप है और ये 120 का है। तो कितने रुपए हुए? कौन सी स्कूल में था भाई तू? हाँ, कितने का फर्क है? 40-90, 120, 30 रुपए का फर्क है। 95 का है इसमें, क्या 95 होगा? का ना भाई, 30 रुपए में अपने सूरत में आलू पूरी आ जाएगी, 20 की आलू पूरी और 10 की पानी की बोतल। 120 में 2 चीज प्लेट आलू पूरी आ जाएगी। वो खालिद की, खालिद की है। और उसके अंदर और 50,000 डाले तो एक गेंडा आ जाएगा भालू। तो भी 30 रुपए तो चलता है, इतना क्या है उसमें है? नहीं भाई नहीं चलता है, मेरे घर में चलता है। मैं एकदम मस्त पंच रेडी किया है, लेकिन ये हाथ पकड़ा नहीं जा रहा। ये अगर बोलता ना, ये अगर बोलता ना, अर्धु भी ना खून पाचो बीजू भी, ये अगर इतना खुद में देख कितना डाल रहा है, हमारे में थोड़ा ही पेट्रोल डाला है क्या हमारे में? और थोड़ा जान इन लोग का होता नहीं, पूरा बाटला खाली किया उन लोगों ने। मैं इतना मस्त पंच रेडी किया था, अगर उर्विल बोलता ना क्या है 30 रुपया तो कुछ नहीं, मैं बोलता कि हाँ तेरा कहाँ जा रहा है, लेकिन वो बोला ही नहीं। सेफ साइड चल गया।
अभी 3 दिन तक कमीने का जा रहा है। 3 दिन तक किसी का कुछ नहीं जा रहा, जा रहा है तो बस केएफ का। आपको विला के अंदर का ये नजारा है, बाहर का मौसम देखा, क्या प्यारी फ्रेम लग रही है। यहाँ पे दो भाई, यहाँ पे दो भाई, वहाँ पे दो भाई, और ऐसे फोटो खींचा हूँ खचैक करके, कैसा लगे बोलो, मजा आ जाए। और इसके भी बाहर का लोकेशन तो देखो, यहाँ पे भाई, यहाँ पे कूदने का हम वेट कर रहे हैं। तू मत कूदना, कूदना नहीं, चल के धीरे से अंदर पाँव रखना, ठीक है? तू कूदेगा तो सारा पानी बाहर, पूरा रिजॉर्ट पानी पानी हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, गोवा बह जाएगा भाई। चल जाऊं क्या? चल जाऊं क्या? I love you। लेजेंडरी दिमाग चलाया है उदित भाई ड्रोन वाले भाई ने, हमारे सारे पानी के बॉटल जो है वो बर्फ बन चुके हैं, तो ओवन में रख दिया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, लेकिन भाई जलने का चांसेस रह सकता है इसमें। देखो पानी हो गया ना, अबे पूरा पानी, इतना फास्ट किया किसने? उदित जरी वाला। ओ तो बर्फ था ये, पूरा बर्फ था, हमारा बिजली बर्फ से जो है मैंने नहीं देखा, ये मेरे को भी करना। कौन अंदर बर्फ? हाँ ये भी प्रॉपर बर्फ है, ले रख ओवन में। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, कोई बताएगा नहीं आपको, लेकिन ऐसे रख दो। अभी 2 मिनट के लिए किया है, देखते हैं। पहला वाला तो थोड़ा ऊंचा कम बर्फ था। 2 मिनट हो गई है गाइस, 3-2-1। ये थोड़ा 2 मिनट में थोड़ा थोड़ा हुआ जो भाई, ओ भाई हो गया, हो गया, थोड़ा बर्फ है अंदर। अभी और एक मिनट दे, चलो। तो ऐसे ही आपको बर्फ के पानी करने के लिए कांटेक्ट करें। सो यहाँ भाई कपड़े बदलने में आए, तो विला पे कपड़े बदल लिए, लेकिन अब जाने के टाइम पे बारिश स्टार्ट हो गई है। अब ये हमें कितना परेशान करती है अब देखना है। अभी तक तो नहीं गया और आगे भी नहीं करी, बी पॉजिटिव, अच्छा सोचो तो अच्छा होता है। बारिश थोड़ी थोड़ी ऐसे गिर रही है, गीले हो जाए ऐसी तो है। यहाँ पे ध्रुव और ये लोग गीले हो रहे हैं, लेकिन मैं एकदम सेफ हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मेरे आगे पहाड़ है, चट्टान है, आयुष है मेरा भाई, चट्टान जैसा मेरा भाई खड़ा है मेरे आगे, मेरे आगे पूरा गोवा है, गोवा का मेयर है। लेकिन वहाँ जाके फिर सूखे हो जाएंगे, पहुँच तो जाते। बारिश एकदम बढ़ गई है गाइस, मेरा चट्टान, मेरी चट्टान पूरा गोवा को रोकने वाला आदमी पूरा गीला हो गया, और मैं एकदम सूखा हूँ, एकदम सेफ, पूरी गीला हो गया। मेरी दाल, तेरे पास तो दाल ही थी, मेरे पास पूरा पेड़ है, तेरे पास दाल ही, मेरे पास दाल बहुत छोटी है, लेकिन चला, चल गया, चल गया, गीला हुआ। हाँ तो दाल उतना ही, उसका इतने भी आया। तो गाइस 2.5 घंटे हो चुके हैं, 2.5 घंटे हो चुके हैं, बारिश बंद नहीं हो रही, क्या किया जाए? एक डिसीजन अब लेना पड़े, ऐसा हो गया है, बनाया जाए भाई, और चले जाते हैं विला पे। और कल ही दोपहर को सब शूट कर रहे हैं, रात का शूट चाहिए जी, रात को बारिश आ जाती है। पर मेरे को भी वही लग रहा है, कल भी अगर शिफ्ट करे तो रात को बारिश आ जाएगी, तो कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। देखते हैं, आधे लोग देखते हैं, अभी आधे लोग दूसरी जगह फंसे, हम लोग तब के इधर 2.5 घंटे हो गए बैठे हैं। मैंने सोचा कि 10 बजे तक भी बंद हो जाए तो भी स्टार्ट करके, हम पूरी रात है हमारे पास, लेकिन नहीं हो रहा यार। विला विला पहुंचेगा वैसे? हां बंद हो जाएगा, वो तो पता ही है, विला पहुंचेगा वैसे, ये तो विला पहुंच जाते हैं, वहां पे बैठते हैं, 11 बजे भी बंद हो जाए, 12 बजे ही बंद हो जाए तो निकल जाते हैं। डिसाइड कर लिया है भाई कि आज शूट नहीं करने दूंगा तुमको, तुम्हारा कितना भी दिमाग लगा लो, कितना भी पॉजिटिव हो लो, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन जवाब आ रहा है तू रे बेटा पॉजिटिव। शूट तो नहीं करने दूंगा मैं। इंद्रदेव बोल रहे हैं ऐसे ही, तुमको गोवा एकदम मजे नहीं करने दूंगा, सोच अगर अपने छह के छीने दिन ऐसे चले गए तो। अच्छे अच्छे कपड़े तो हमको भी देखने पड़ेंगे, तेरे हुडी के अलावा कुछ देखा नहीं है भाई तेरा। अभी हार मान के हम डिले होने का फैसला ले लिया है, और हमारे भाई बंधुओं के पास पहुँचने का फैसला लिया, क्योंकि हम विला जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास
की नहीं है तो कोई रास्ता नहीं है। मेरे को तो वैसे कुछ डर नहीं है, मेरे पास आगे मेरी चट्टान, मेरी दीवार, मेरा गोवा का फोर्ड, गोवा का, नहीं यार नहीं चला पाऊंगा, नहीं होगा यार वो, चलना है मेरा भाई, मेरा जान, मेरे ऐसा व्हाइट व्हाइट कपड़े में देखो ना, उसका सूट था, उसका भी सीन था, सब लेकिन बारिश स्लो हो गई। हाँ ये लोग खाने बैठ गए, बोलो ये रहे साले। यो चलो 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 व्हाट्सएप टोटली बंद, काम लेस रूम, नो ना ऑर्डर कैंसिल प्लीज। तो गाइस हम लोग आज का हैट्रिक शेड्यूल खत्म करके आ चुके हैं विला पे। आज जो सोचा था वो हुआ नहीं, आज जितना शूट सोचा था वो हुआ नहीं जस्ट बिकॉज ऑफ बारिश। फिर भी हमने एक सीन बीच में, हम मैं दिखाया नहीं, वो बीच में एक सीन खत्म किया। और जैसे ही हमारा लास्ट मूवमेंट देखो, जैसे ही हमारा वो सीन का लास्ट डायलॉग खत्म हुआ ना, वैसे ही मूसलाधार बारिश, भाई इतनी भयंकर बारिश गई ना तो पूरा मोरल और डाउन हो गया। तो फिर हमने सोचा चलो देखते, और तो बाहर जाके एक छोटा सा वॉकिंग वाला सीन था वो भी खत्म किया। फिर हमने सोचा कि नहीं यार अब नहीं, अब पंजिम नहीं जा सकते क्योंकि ऑलरेडी 12 बज चुके थे और फिर पंजिम 1 घंटे दूर, और अभी तो 2 बज गए और अभी तो आधे लोग आ रहे हैं। हम लोग फटाफट 2 व्हील पे आ गए, बहुत हालत खराब है सबकी, नींद आ रही है। तो अब देखते हैं कल को लेके मैं कोई और डिसीजन ले सकता हूँ, जस्ट बिकॉज सबको आराम करना जरूरी है, फिर ऐसा नहीं हो तो बीमार हो जाए तो ट्रिप भी बिगड़े और सूट भी। तो मैं सोच रहा हूँ कल सबको गैप दे दूँ, 1 दिन गैप, गोवा घूमो ये वो करो। फिर हमारा जो सूट हमारा बचा है सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का, सुबह से लेके शाम तक, तो वो कोई भी 1 दिन ले सकते हैं। तो ये सोच रहा हूँ मैं, जिसके कारण सबके माइंड फ्रेश हो जाए और अच्छा सूट, अच्छी चीज़ें हम निकाल पाए फ्रेशनेस में। सो देखते बस, आपको तो मज़ा ही आया होगा ये व्लॉग देख के, मज़ा आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी ना मत जाना। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, कल शायद हम शूट नहीं करके घूमने का प्लान, 90% ये डन है, देखते हैं, बाय बाय।